नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं आपके साथ विनय अग्निहोत्री। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाजार बीले के हर्ष सुराना जी। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 में आपका। थैंक यू विनय जी। कैसी शुरुआत हुई इस बाजार बीले की, क्या टर्निंग पॉइंट आए आपकी लाइफ में कि आपने एक बाजार बीले नाम की कंपनी आपने जो है स्थापना कर दी इसकी, और प्रिंटेड टी शर्ट आप जो है पूरे देश में आप जो है इसको सेल कर रहे हैं। सो विनय जी, बेसिकली बाजार बीले एक आज के डेट में मर्चेंडाइजिंग सॉल्यूशन है जो आईटी कंपनीज और होटल्स कैफेज़ को मर्चेंडाइजिंग प्रिंटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि टी शर्ट्स, आईडी कार्ड, बैजेस, इवेंट्स के लिए। और हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे गूगल, ताज, रेडिसन, मैरिट के लिए काम कर रहे हैं। हमारी जर्नी की शुरुआत जो रही वो बहुत एक्साइटिंग रही कि हम लोगों ने जब कॉलेज में थे, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं हम लोग जो पार्टनर्स हैं, और फाइनल ईयर में थे और हम लोगों ने सोचा कि अपना खुद का टी शर्ट का ब्रांड चालू करते हैं। तो जब एक होता है कि खुद का स्टार्टअप करना है और कुछ आइडिया है जो भी मार्केट में चल रहा है उसको रिलेटेड, तो उस समय दो चार ब्रांड हुआ करते थे मार्केट में जो कस्टमाइज टी शर्ट का काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने सोचा फाइनल ईयर में कि कुछ ना कुछ अपना चालू किया जाए, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर थे इसलिए सोचा खुद की वेबसाइट बनाते हैं और पैन इंडिया में अपनी डिज़ाइनिंग सर्विसेज और अपने टी शर्ट्स के डिज़ाइन को सेल करते हैं ऑनलाइन शिपिंग के थ्रू। और उस टाइम मार्केट बढ़ रहा था, कस्टमाइज टी शर्ट्स का मार्केट बढ़ रहा था और लोग ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा मूव हो रहे थे क्योंकि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मार्केट में मिंत्रा आ चुके थे। तो हम लोगों ने अपना ब्रांड सोचा, बहुत दिमाग लगाने के बाद बाजार वाले नाम से चालू करते हैं। और बट उस टाइम फंड्स का बड़ा था कि कोई, अब स्टूडेंट थे, पेरेंट्स ट्रस्ट करते नहीं इजली क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बोलते हैं जॉब करो। बट फिर पेरेंट्स ने बोला ठीक है स्टार्ट, पहले तो हमने पेरेंट्स को बताया नहीं, हमने सोचा पहले खुद से ट्राई करते हैं। तो ट्राई करने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी तो हमें समझ में आया कि ऐसे तो नहीं काम बनेगा। फिर लकीली कॉलेज में फेस्ट होता है सबके, कॉलेज फेस्ट में हमें अपॉर्चुनिटी देखी कि उनको कॉलेज में टी शर्ट प्रिंट करानी थी और हम लोग फाइनल ईयर में थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम इससे शुरुआत करते हैं। तो हमने कॉलेज में ही अपने ट्रूबा इंजीनियरिंग से पास, ट्रूबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से भोपाल से पास आउट हुआ, तो उसमें हम लोगों ने सोचा कि टी शर्ट्स इन्हीं को सबसे पहले बना के देखे। तो हमने लोकल वेंडर्स ढूंढे, प्रिंटिंग क्वालिटी समझी, टी शर्ट क्वालिटी समझी, और फिर इस तरीके से हमने अपना टी शर्ट्स का सबसे पहला ऑर्डर कॉलेज का जो 20,000 रुपये का था, तो हमने दोनों तीनों चारों लोगों ने 5,000-5,000 रुपये मिला के जो भी दोस्त थे, और हमने कहा चलो हेल्प करो हम लोगों को एक ऑर्डर करना है, और ऐसे 20-25,000 रुपये इकट्ठा करके फर्स्ट कॉलेज का ऑर्डर दिया। और वो वहीं से जर्नी हम लोग की बाजार वाले की चालू हुई। सर आपकी जर्नी से शुरुआत होती है कॉलेज से, जब आप इसके एक प्रोफेशनल बिजनेस में आते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि हमको शर्ट प्रिंट कैसे कराना है, टी शर्ट प्रिंट कराता है कराना है, और भी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जब प्रिंटेड कराते हैं, तो कैसे आपने इसको जो है अपने इस बारे में सीखा और अध्ययन किया? सो सर, इसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान रहा बिकॉज हम लोग कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट थे तो लर्निंग थी कंप्यूटर से रिलेटेड, तो चीज़ों को सर्च करना, समझना, गूगल पे, यूट्यूब से वीडियो देखना, बहुत सारे वेंडर इंडिया में जस्ट डायल के थ्रू और अलग अलग चैनल्स के थ्रू सर्च करे, क्वालिटी समझी, कपड़े की क्वालिटी समझी, कपड़े किस तरीके से फैब्रिक होता है, किस तरीके से प्रिंटिंग होती है, जा जा के दिल्ली, बॉम्बे, तिरपुर जो मेन हब हैं, लुधियाना, वहाँ पे जाके समझा कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ काम करते हैं, किस तरीके से ऑफिसेज़ काम करते हैं, मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग बहुत फोकस जो रहता है हमारा सॉल्यूशन ओरिएंटेड था कि मार्केट में क्या गैप है, क्या क्वालिटी लोगों को नहीं मिल पा रही, क्या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं मिल पा रही है, तो उसका अध्ययन करा, प्रिंटिंग टाइप्स का अध्ययन करा, और फिर हम लोगों ने जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उसको भोपाल में लेके आया। और हमने बिकॉज हम लोग भोपाल से थे तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भोपाल से ही चालू करते हैं अपना कॉर्पोरेट ऑफिस, हेड ऑफिस बना के, और हमने फिर उसको इस तरीके से रिसर्च करके भोपाल में अपना ऑफिस स्टार्ट करा। 2000 अभी आपकी जो है सर्विस कहाँ कहाँ है इंडिया में, और आपके जो कस्टमर क्लाइंट कौन कौन से हैं? सो अभी हम पैन इंडिया सर्व कर रहे हैं, हमारे कॉर्पोरेट हो चाहे B2C कस्टमर्स हो, हमारे खुद के ब्रांड का अभी चैनल है जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं आपको मिल जाएगा बाजार वाले के नाम से। इसके अलावा हम लोग अपनी खुद की वेबसाइट के थ्रू B2C कर रहे थे 2020 तक, बट कोविड आने के बाद हम लोग B2B मॉडल में भी आ गए जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जैसे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन गूगल, मैरियट, ताज, रेडिसन, KPMG, डिलॉयट, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, ऐसी कई IT कंपनीज बैंगलोर, नोएडा, भोपाल, इंदौर, चार जगहों से ऑपरेट कर रहे हैं, और तमाम IT कंपनीज़ को ज्वाइनिंग किट्स के लिए और इवेंट्स के लिए हम लोग कॉर्पोरेट मर्चेंडाइजिंग सॉल्यूशन देते हैं। अच्छा, टी शर्ट के अलावा और आपकी कंपनी और क्या क्या चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग करती है? सो अभी हम लोग का जो पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का वो मोर देन 2000 प्रोडक्ट्स हो गया है। हम लोग प्राइमरली एज अ गिफ्टिंग कंपनी, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कंपनी में जाने जाते हैं भोपाल और सेंट्रल इंडिया में, तो हम लोग सभी तरीके के प्रोडक्ट्स जो ज्वाइनिंग किट्स में या इवेंट्स में लगते हैं, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गिफ्टिंग हो गया जिसमें मेरे पास 16 से 17 ब्रांड्स हैं,
टी शर्ट्स के अलावा हुडी, जिपर्स, स्वेट शर्ट्स या जितने भी कॉर्पोरेट्स में अपैरल मर्चेंडाइज लगता है उसमें पास प्यूमा, डिकैथलॉन, यूसीबी, रेरेबिट और अपने खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गिफ्टिंग और गारमेंट गिफ्टिंग के अलावा हम लोग डायरीज, नोटपैड, आईडी कार्ड्स, इस तरीके के मल्टीपल स्टेशनरी प्रोडक्ट्स भी करते हैं। आपने बताया कि आप जो हुडी वगैरह भी आप करते हैं, इसके लिए फैब्रिक आप कहाँ से मंगवाते हैं? सो इंडिया में जो मेजर, आप अगर आप बोलोगे कॉटन तो कॉटन के लिए हब है तिरपुर साउथ में, और अगर पॉलिस्टर बेस्ड फैब्रिक्स होते हैं तो लुधियाना, ये दो हब है। इसके अलावा वियतनाम, बांग्लादेश और चाइना से बहुत सारा फैब्रिक इंपोर्ट होता है इंडिया में। तो अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक, अगर आपके पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स और आपने अच्छा रिसर्च करा है, तो एक अच्छा यान और अच्छा फैब्रिक आपको तिरपुर से कॉटन मतलब आप सोर्स कर सकते हो। फैब्रिक अगर आपका स्टिचिंग यूनिट है तो बहुत अच्छी बात है, आप फैब्रिक सोर्स करके यहाँ बनवा सकते हैं, वरना वहाँ पे रेडीमेड अभी हम लोग वो सर्विस भी दे रहे हैं। हम लोग 22-23 ब्रांड के लिए ड्रॉप शिपिंग सर्विस भी चालू करा है 2021 से, जिसमें हम लोग उनके ब्रांड के लिए उनका लेबल लगा के उनके प्रिंट पैकेजिंग करें। जैसे आपको वेबसाइट बनाना है और हमसे कॉन्टैक्ट करना है, उसका पूरा ब्रांड ऑपरेशन, प्रिंटिंग, पैकेजिंग और कस्टमर एंड कस्टमर सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए अगर किसी, अगर कोई जो हमारा वीडियो देख रहा है, अगर किसी को अगर आपके कंपनी से द्वारा आप कुछ उनको जो ऑर्डर्स देने हैं, कुछ प्रिंटेड कराने हैं टी शर्ट, तो क्या रेट्स के आपके टी शर्ट आप ये स्टार्टिंग है और हाई रेट कितने हैं? सो अगर आप बात करें प्रमोशनल टी शर्ट की, तो अभी हम MP गवर्नमेंट्स के लिए जो रैलीज होती हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की टी शर्ट्स होती हैं, वो हम लोग दिल्ली बॉम्बे के रेट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं भोपाल में, और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोको सर्विस हम लोकली दें। तो 55-60 रुपये से 65 रुपये से टी शर्ट विद प्रिंट हमारे पास चालू हो जाती है प्रमोशनल। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की डिसेंट फॉर अ ब्रांड टी शर्ट देख रहे हैं, तो आप ये मानिए 150-250 रुपये की रेंज में रहती है, और आप कॉरपोरेट के हिसाब से टी शर्ट्स देख रहे हैं तो हमारे पास रेंज चालू होती है 500-550 रुपये से, जिसमें हम लोग बाम्बू कॉटन, सुपीमा कॉटन, गाजी कॉटन, इस तरीके के फैब्रिक्स में डील करते हैं, जो 1000-2000 से 1200 रुपये तक की रेंज चली जाती है। बट वो कुछ ही ब्रांड्स लेते हैं, लिमिटेड ब्रांड्स वो, बट वेरी प्रीमियम क्वालिटी। आगे के क्या प्लान्स हैं बाजार विले को लेकर? सो मैं जो पर्सनली हैंडल करता हूँ, मेरा पूरा वर्टिकल बाजार विले आज की डेट में 3 मेजर वर्टिकल में काम कर रहा है। बाजार विले एक कॉर्पोरेट फैशन सेगमेंट में काम कर रहा है, कॉर्पोरेट सेगमेंट में काम कर रहा है, एक ड्रॉपशिप सेगमेंट में काम कर रहा है। तो कॉर्पोरेट में मेरा गोल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को, और सेंट्रल इंडिया की या पैन इंडिया की ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को, प्राइमरी फ्रॉम भोपाल और आसपास के रीजन से, उनको मर्चेंडाइजिंग सॉल्यूशन दें और उनको बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस दिल्ली बॉम्बे की जगह यहाँ से दे पाएँ। अगर मैं बात करूँ अभी कंपनी का, आपका टर्नओवर कितना होगा सालाना? अच्छा टर्नओवर है सर, 8-9 digit टर्नओवर है हम लोग, और क्यूमुलेटिव 3-4 हम लोग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग रन कर रहे हैं। तो हाँ, गॉड ग्रेस आप ये बोल सकते हैं 8-9 digit टर्नओवर है हम लोग का। इसलिए आपके से कंपनी में कितने मेंबर्स हैं जो आपके अभी साथ अभी काम कर रहे हैं? सो हम लोगों का जो टोटल टीम स्ट्रेंथ है वो 22-25 लोगों का टीम स्ट्रेंथ है, जिसमें अलग अलग ऑपरेशंस का टीम, प्रोडक्शन का टीम, कुछ डेली वेजेस वाले प्रोडक्शंस का टीम, देन इसमें IT वाले जो हमारे सोशल मीडियाज और वेबसाइट देखते हैं, देन सेल्स, परचेज, ऐसे कुल मिला के हम लोगों का यहाँ पे स्ट्रेंथ है। थैंक यू सो मच न्यू लेटेस्ट बात करने। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी सर।